Great, great, great evening, all my dear friends. So let's start our question answer session. और यहाँ पे कुछ सवाल मैं चैट बॉक्स में देख सकता हूँ. So let me check it out. Okay, great. So how to be always at the super high energy? So इसका जो आंसर है वो अलग अलग डायमेंशन में मैं दे सकता हूँ. देखिए, दोनों लेवल पे हमें काम करना होगा. Not दोनों, I would say तीन लेवल पे आपको काम करना होगा अगर आपको सुपर हाई एनर्जी को क्रिएट करना है, मेंटेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एट योर फिजिकल लेवल. फिजिकल लेवल मतलब क्या कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर बेसिस पे आपका जो डाइट है वो प्रॉपर है, देन द एनर्जी लेवल्स आर गोइंग टू बी ऑलवेज ऑसम. बिकॉज आपको पता है कुछ ऐसे सर्टन फूड होते हैं, कुछ खाने के आइटम होते हैं जो खाने के बाद आप लेथार्जिक फील करेंगे. टेम्पररी लगता है बहुत मजा आया यार खाने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट कैन बी रियली डेंजरस फॉर योर एनर्जी. तो ये सब चीजें अगर हम लोग अभी इसके डेप्थ में जाएंगे तो इसको अभी दो तीन घंटे लग जाएंगे. सो यू नीड टू कनेक्ट विद द न्यूट्रिशन पीपल, न्यूट्रिशनिस्ट, दे कैन हेल्प यू व्हाट काइंड ऑफ फूड यू कैन हैव सो दैट यू कैन हैव द हाई लेवल ऑफ एनर्जी, द विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द फिजिकल लेवल, देन एट द माइंड लेवल, मेंटल लेवल, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है. दिन भर में जो चैलेंजेस आपके जिंदगी में आ रहे हैं, हाउ यू लुकिंग एट गुड चैलेंजेस, आर यू लुकिंग एट इट एज चैलेंजेस और यू आर लुकिंग एट इट एज बिग हर्डल्स, हाउ यू लुकिंग एट इट. सो उसके ऊपर भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिपेंड करेगा. बिकॉज विराट कोहली का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें उसने कहा था जब उसको स्कोर चेस करना होता है, विराट कोहली इज नोन एज अ चेस मास्टर. सो विराट कोहली को जब चेस करना होता है, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, ही इज सो मच एक्साइटेड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस ही इज सो मच एक्साइटेड फॉर दैट. So, वो क्यों है? बिकॉज उसने उसका मेंटल पैटर्न वैसे डेवलप किया है. आई नो ही इज बिट आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, बट रिलैक्स, ही इज गोइंग टू बाउंस बैक लाइक अ चैंपियन, लाइक अ लेजेंड. एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट अगेन, मेंटल लेवल. सो मेंटल लेवल पे भी आपको आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको जबरदस्त रखना है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट योर सोल लेवल. शायद ये आंसर मैंने कभी नहीं दिया था. एट योर सोल लेवल, वॉट डज इट मीन? आपका इंटेंशन क्या है? What is your intention? What is your ultimate goal in life? अगर आपका goal ऐसा कुछ है जिससे humanity का फायदा होने वाला है, जो भी आपका goal है, जो भी आपका target है, पैसा बहुत कमाओ, nothing wrong in that. लेकिन उसके पीछे आपका intention क्या है? अगर आपका intention serve करने का है, then automatically you'll be you know full of energy always. And this is not what I am saying. This is the answer by Tony Robbins. मैं आपको सजेस्ट करूंगा टोनी रॉबिन्स का एक दो मिनट का वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, बिजनेस इज अ स्पिरिचुअल गेम. फिर से एक बार उसका नाम बता रहा हूं, बिजनेस इज अ स्पिरिचुअल गेम, ये वीडियो का नाम है. आप ये वीडियो देखिए. ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इंटेंशन में क्या पावर है और जो एनर्जी लेवल है उसको अगर अपलिफ्ट करना है, मेंटेन करना है, तो इंटेंशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है. इसका आंसर मैं एक दो घंटे में देख सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है. सो अभी स्वीट एंड शॉर्ट में मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल एट योर फिजिकल लेवल, देन योर माइंड लेवल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एट योर सोल लेवल ऑल्सो. योर इंटेंशन, इट मैटर्स द मोस्ट एंड इट गिव्स यू द इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दिस इज व्हाट आई कैन से. आई होप यू गॉट द आंसर, बिकॉज इसके में बहुत डेप्थ में जा सकता हूं, बट अभी इतना टाइम में नहीं दे सकता. सो क्रिस्प में मैं अभी आपको आंसर दे रहा हूं. सो हाउ टू सेट हायर गोल्स. सो देखिए, हायर गोल सेट करने के लिए, यूजुअली हायर गोल सेट करने से हमें कौन रोकता है? हमारी बिलीफ सिस्टम हमें रोकती है. हमें डर लगता है कि हम लोग मतलब पूरा कर पाएंगे, वो गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं. बट आई वुड से ऑलवेज रिमेंबर वन कोट, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अप अमंग द स्टार्स. इसका मतलब क्या है? गो फॉर रियली बिग गोल. अगर आप वो अचीव ही नहीं करते, आप फेलियर हो जाते हो वो गोल अचीव करने के लिए, मे बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन वो गोल को चेस करते हुए, वो गोल के लिए बहुत मेहनत करते हुए आप जो बन जाएंगे वो बहुत जबरदस्त होगा, इवन इफ यू मिस आउट ऑन द गोल. इसलिए बहुत अच्छा कोट है, आई लव दिस कोट, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अप अमंग द स्टार्स. सो गो फॉर बिगर गोल्स, because that is going to get, you know, that is going to put your soul on fire, that is going to help you to get best out of you. Sir ji, aapko bhi pata nahi hai ki aapke andar kya potential hai,
किसी को भी पता नहीं रहता जब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आप बड़ा गोल सेट नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसका एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो बचपन से लेके आज तक जब भी हमें कुछ ऐसा कुछ काम करना था जो जिंदगी में कभी नहीं किया है, तो वो टाइम पे हमें बहुत डर लगता था, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा, क्या मेरी इतनी औकात है, क्या मैं सच में वो अचीव कर पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते थे, राइट। लेकिन हम लोग वो काम करते थे बिकॉज हमारे पास कुछ एक्सक्यूज नहीं था, हमें वो करना ही करना था। जैसे कि स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन, कॉलेज से बाद में हायर स्टडीज के लिए ट्रांजिशन, हायर स्टडीज के बाद में भी जॉब या बिजनेस में ट्रांजिशन। सो हर बार हमारे सामने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, लेकिन हर बार हमने उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, राइट और रॉन्ग। तो हमें हमारी पावर तभी समझ में आएगी जब हम चैलेंजेस को फेस करेंगे। सो गो फॉर द बिगर गोल्स, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स यू हैव गॉट, व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू हैव गॉट। तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन से, एंड दिस हाउ यू कैन पुट योर सोल ऑन फायर बाय हैविंग बिग गोल्स। आई होप यू गॉट द आंसर। ग्रेट। हाउ टू बिहेव एंड मैनेज पैनिक, ओके, हाउ टू बिहेव एंड मैनेज द पैनिकिंग सिचुएशन एंड एंजाइटी। ओके, ग्रेटिट्यूड इज द अल्टीमेट टूल फॉर दैट। गुस्सा या फिर कोई भी टाइप का टेंशन, अगर उसको आपको खत्म करना है, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे। ग्रेटिट्यूड कैन फिनिश ऑफ एनी काइंड ऑफ फियर एंड एंगर। सो बी ग्रेटफुल, देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। देखो आप पैनिक मोड में क्यों जा रहे हो, बिकॉज जिस तरह से चीजें होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है, बिकॉज ऑफ मे बी योर मिस्टेक और अदर्स मिस्टेक, व्हाटएवर। लेकिन आप वो सिचुएशन में भी पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करेंगे, देन इट कैन बी रियली ग्रेट टूल टू रिमूव योर पैनिक स्टफ। और एंजाइटी, एंजाइटी क्यों होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। नाउ दिस अमेजिंग डायलॉग बाय एमएस धोनी, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो यार, वही कंट्रोल करो ना। जो चीज आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो एंजाइटी में 100% जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। So try to control the controllables. And apart from that, have faith. Have faith in this universe. Have faith maybe in which God, Goddess, Self you believe in. There is something which is beyond logic. Agar aap logic mein jayenge, there is always high probability of anxiety and panic attacks. Learn to appreciate. And ye jo aapka sawal hai, isme mujhe actually depth mein jana hoga ki aapko ye panic, anxiety kyun ho rahi hai? What is the reason behind that? ये भी मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है, शायद आप और एक सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में। और मुझे बताइए कि एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं जो आपको पैनिक मोड में डाल रही है, आपको एंशियस बना रही है। सो लेट्स हैव द वेरी डिफरेंट लुक एट इट, तो शायद ये पैनिक एंजाइटी सब खत्म हो जाएगी एंड यू कैन कन्वर्ट योर पेन इंटू पावर। या वी आर सपोज टू कन्वर्ट पेन इंटू पावर। सो यू कैन आस्क मी द सब क्वेश्चन फॉर द सेम क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली is creating the panic in your life? What is the thing which is making you anxious? Go ahead and ask your question. Sub question, I would say. So let me go to the next question. Go ahead, my dear friends, ask your question, because I can see not many questions are there in the chat box right now. So one more question I would love to address. ओके ग्रेट। सो यहाँ पे एक सवाल आया है ना, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। आप एक टास्क के ऊपर काम कर रहे हो, अचानक से कोई दूसरा टास्क क्रिएट हो जाता है और हम लोग को दूसरे टास्क में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो जो पहला टास्क जो हमारा चल रहा था जिसमें हम लोग प्री ऑक्यूपाइड थे वो रह जाता है, देन वॉट टू डू इन दिस सिचुएशन। प्लीज अंडरस्टैंड, देर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑलवेज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हर बार आपको प्रायोरिटी के ऊपर फोकस करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज जिंदगी में ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहां पे प्रायोरिटी को हमें कंसिडर करना होता है, और जो भी हमें टास्क करने हैं, परफॉर्म करने, एग्जीक्यूट करने, इट ऑलवेज हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये इतने घंटे में मुझे यही करना है, यही करना है। समटाइम्स सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो हमें वो मैनेज करना पड़ता है। देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट में हो, आई विल टेल यू, समटाइम्स the priorities are not in your hand. If you are in middle management,
आई नो जो आपने सवाल पूछा है, आप एक इंजीनियर हो और आप मिडिल मैनेजमेंट में हो. अगर आप मिडिल मैनेजमेंट में हो देन इट इज अ रियली ट्रिकी सिचुएशन. यू आर ऑलवेज गेटिंग सैंडविच बिकॉज नीचे आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, आपके जो जूनियर्स है, वहां से भी कुछ टास्क फ्लो हो रहे हैं, आपको उनको कुछ डिलीगेट करना है, ऊपर से भी कुछ डिलीगेशन आपके ऊपर आ रहे हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो. सो इट इज ऑलवेज द सिचुएशन ऑफ मैनेजिंग द प्रायोरिटीज एंड ऑलवेज रिमेंबर द रूल, द गोल्डन रूल इन द कॉर्पोरेट लाइफ. एक्चुअली टू रूल्स, द फर्स्ट रूल इज बॉस इज ऑलवेज राइट एंड द रूल नंबर टू इज रीड द रूल नंबर वन. कांट हेल्प इट माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द लाइफ इज इन द कॉर्पोरेट. So, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको जो भी बॉस या फिर प्रायोरिटी आपके जिंदगी में आती है तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना होगा, और जो पहला टास्क जो उसके साथ आप प्री ऑक्यूपाइड थे जो मिस हो रहा है उसको फिर से एक बार शुरू करना होगा. इट मे कॉज यू द इरिटेशन, कांट हेल्प इट, दिस इज द लाइफ माई डियर फ्रेंड, वी कांट हेल्प इट. एज पर द सिचुएशन वी हैव टू मैनेज अवर टास्क. यू नो वी कांट यू नो डू सम टास्क लाइक हॉर्स, वो घोड़ा रहता है ना उसको ऐसे लगाते ऐसे ही चल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल. यू वी नीड टू बी वर्सेटाइल. कुछ भी टास्क अगर आ गया एज पर द प्रायोरिटी वी नीड टू मैनेज इट, एज सिंपल एज दैट. या देखिए वो अभी मैं और इसका एक आंसर डेप्थ में दे सकता हूं कि वो टास्क कंप्लीट होने के बाद आप शायद आपके बॉस के साथ बात कर सकते हैं और उसको उनको बता सकते हैं. होपफुली ही विल अंडरस्टैंड, होपफुली ही और शी विल एग्री, दे विल अंडरस्टैंड. या फिर जो भी आपको टास्क आपको दे रहे हैं उनको आपको बताना होगा कि एक सिस्टम अगर हम लोग सेटअप करेंगे तो ऐसे अचानक से कोई प्रायोरिटी के टास्क नहीं आएंगे. मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टास्क क्यों राइज होते हैं, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट इन प्लेस. सिस्टम प्लेस में नहीं है सो अचानक से कोई भी टास्क प्रायोरिटी पे चले जाता है. राइट, वो प्रायोरिटी पे क्यों जाता है, बिकॉज बहुत दिनों से वो निग्लेक्टेड है, बहुत दिनों से वो निग्लेक्टेड है. इट इज नॉट वेल प्लान्ड, वो प्लान्ड नहीं है, इसके वजह से अचानक से वो टास्क अराइज होता है. दिस इज व्हाट आई फील. लेट मी नो इफ यू वांट टू आस्क फर्दर मोर अबाउट द सेम. ग्रेट, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Peer pressure, family pressure of marriage versus self goals of a career. What to do? I guess आपने सवाल मुझे पहले भी पूछा था. I still remember that. I always give one unique answer for this. Divine guidance. Divine guidance. What is a divine guidance? यार आप logic से जाएंगे तो first जाएंगे. You need to consider something called as infinite intelligence, divine intelligence. कभी कभी ऐसे भी होता है. See, I'm not saying always. Sometimes you get amazing spouse. You get amazing spouse and your career goes to the next track, next level. ऐसे बहुत लोगों से मैंने सुना है. मतलब ये मेरी जिंदगी में आ गई या फिर ये मेरी जिंदगी में आ गया और मेरी जिंदगी बदल दी. It happened with a lot of people. लोग हर बार शादी को बुरा कहते हैं, शादी बर्बादी है एंड ऑल. आई डोंट बिलीव इन दिस क्रैप, नॉट एट ऑल. सो जस्ट टेक द डिवाइन गाइडेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए बेस्ट क्या है. एंड यूनिवर्स नोज द बेस्ट, नॉट मी, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट एस्ट्रोलॉजर, नो वन. ओनली यूनिवर्स नोज वॉट इज बेस्ट फॉर यू. सो आप क्या कर सकते हैं, टेक अ नोटबुक एंड पेन. Write down 50 times, I am divinely guided. Yeah, thank you so much for perfect solution. Keep writing it for 50 times. Haath dard hoga thoda sa, but do that. It will create amazing amount of vibration. Abhi aapka jo vibration hai, agar confusion wala vibration, are main kya karu yaar, mujhe samajh mein nahi aa raha, ye karu. You will take some pathetic decision. And you will blame your parents, spouse, or universe, nature, God, destiny, and whatnot. So don't get into this trap. Just chill, just relax, and try to take divine guidance. Yeah, apply logic. Nothing wrong in logic. I'm not saying logic is useless. Bakwas hota hai logic. Kabhi istemal mat karo. You must use logic. Nothing wrong. But along with that, try to anticipate the future. And how you can anticipate the future? How you can see the future? You can see the future with the help of divine guidance. You will get that gut feeling, you will get that intuition, and you will get on the right track. This is what I can say. Because ye tricky sawal hai jo aapne pucha hai. So uska answer aapko divine guidance se bahut zabardast mil sakta hai. Please start writing. You're doing already gratitude practice. So aap kar rahe ho. Please
try to include this practice also, writing it 50 times or maybe doing some strong affirmations. It can help you like anything. Amazing question. Thank you so much for asking this question. Let me go to the next question. Okay, great. How to control anger when someone's behavior is wrong? Wow. यार मुंबई में तो यार मतलब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, घर में रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो बहुत सारे हमें एंटिक पीसेस मिलते हैं, राइट? कभी कभी हमारे घर में भी होते हैं, कभी कभी बाहर भी होते हैं. मतलब हम कुछ उनको बताना चाहते हैं, उनसे उनका भला हो सकता है, लेकिन शायद वो जाने अनजाने में नहीं फॉलो कर पाते. मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वैसे वो बिहेव नहीं कर पाते, और हमें पता है यार वो उनके लिए फायदे का है, राइट? तो हमें और गुस्सा आता है. सो आई ऑल्सो गेट एंग्री लाइक हेल. लेट मी टेल यू, I also get angry like hell sometimes. Sometimes outside, sometimes inside home. It happens. So what to do in those situations? Blessings. Just say, God bless you. Just say, God bless you. जब बहुत गुस्सा आएगा तो आपको उनको दुआएं देनी है. This is what the best thing you can do. Because आप जितना गुस्सा करेंगे उससे उसका behavior change होगा कि नहीं होगा, there is no guarantee. There is a huge probability the fight will arise from that. Jhagda badhega usse. There is a huge probability of that. Ha, agar aapke niche wala koi banda hai, to shayad aapke gusse se ho, shayad uska behavior change bhi ho jaye. Lekin agar aapke level ka hai ya fir aapke upar wala hai, yaar fir wo ego clashes hona shuru ho jayega. So best thing, I personally believe, is sending the blessings. Aur in case gusse mein agar aapne kuch bol diya, please immediately say sorry and try to settle the matter. This is the best thing you can do, because jab aapko gussa aayega because of you know their behavior, it is going to harm you only. Wo aapko harm kar raha hai. Gusse ki definition pata hai na aapko? Anger is a poison we drink for others' mistake. To bhai dusron ki galtiyon ke liye khud zeher kyun piye? I know gussa aata hai. Main aise nahi kehta ki mujhe kabhi gussa nahi aata, main ekdam sant mahatma. Oh yaar, I also get angry like hell, I'm telling you. But again, you need to come into that, you know, realization. Chill, chill, chill. Send the blessings. Send the blessings. This is the best thing you can do. Because jo bhi banda behavior kar raha hai, wo uska kabhi kabhi subconsciously behavior ho jata hai, to wo control nahi kar pata. Usko consciously pata hota hai ki usko ye karna chahiye, lekin wo control nahi kar pata. So in that case, sending the blessings to that person is the best way out. And apart from that, you can immediately go into some kind of gratitude. You can smile also. You know, you can have a broad smile on your face. Agar aapko kuch galti dikh jati hai, dekho alag alag strategies hai. You can start chanting. Maybe you can sing a song. Maybe you have a broad smile. You can have a broad smile. Maybe you can count your blessings. Maybe you can start sending blessings to that person. So there are number of ways by which you can control your anger. Choose what is best for you, or choose what is coming from your intuition at that point of time. Agar ye frequently ho raha hai aur aapko bahut zyada takleef ho rahi hai, please sit with that person, talk to that person with lots of love, and try to convince that person that you're getting angry because of this behavior and it is not great. This is what I can say. I hope you got the answer. Let me go to the next question. Okay. So there is one question. I am overloaded in my work. I think I am losing my control. How to handle such situations? देखिए, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, ये बहुत लोगों का मतलब पंगा है, बहुत लोगों का जॉब में, बिजनेस में. मिलियन डॉलर आइडिया अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू शेयर अ मिलियन डॉलर आइडिया राइट नाउ. आई लव दिस कोट. द कोट इज, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, नॉट इन योर जॉब एंड बिजनेस. Let me repeat it one more time. Work hard on yourself, not in job and business. Let me repeat it one more time. I just love this quote. Work hard on yourself, not in job and business. Most of the people, maybe you also, working extremely hard, putting your heart and soul in your job and business. वही जो आपकी skills जो आपने 4, 5, 10 साल पहले बनाए थे, वही स्किल्स के साथ, वही माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. और आपके चैलेंजेस तो नए नए आ रहे, चैलेंजेस तो बढ़ रहे, और आपका वर्जन तो पुराना है. तो कैसे होगा मेरे दोस्त? सिंपल एग्जांपल लेता हूं यार. अगर आपके पास एक मोबाइल है जो आपने शायद 4-5 साल पहले लिया है, हार्डवेयर तो वही है ना,
हार्डवेयर तो वही है लेकिन सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वाईफाई पे फोन लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपकी जो मेमोरी है वो भी फुल होती जा रही है, रैम वो भी ऑक्यूपाइड होते जा रहा है, उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। एंड यू आर सीइंग माय फोन इज ओवरलोडेड, माय फोन इज ओवरलोडेड, बहुत हीटअप होता है, बहुत इरिटेशन देता है, हैंग होता है, होगा ना मेरे भाई, अपग्रेड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू पीपल अपग्रेड देमसेल्व्स। आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, हाउ मच अपग्रेडेशन, हाउ मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग ऑन योरसेल्फ। Ask yourself honestly. This is a million-dollar question. Most of the people, you know, especially in corporate, most of the business people also, they just don't update themselves. And they expect some miraculous results. It won't happen. You need to update yourself. See, I am investing like hell. I am investing like anything in different courses every single day. कुछ ना कुछ मैं नई किताबें पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं, आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अपडेट माई सेल्फ। अदरवाइज क्या होगा, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड वी विल गो इन अ ओवरलोड मोड। आई होप इट इज मेकिंग सेंस विद यू। नाउ दिस इज नॉट जस्ट योर सिचुएशन, ये सिचुएशन यूजुअली सभी लोगों की होती है मैक्सिमम। तो आपको खुद को अपग्रेड करना है। देखो अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है, बिकॉज आपके जो स्किल्स है, आपका जो माइंडसेट है उसको मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपका माइंडसेट अगर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा देन ये जो सिचुएशन आपकी है आप आसानी के साथ कंट्रोल कर पाओगे। दिस इज अ वन डायमेंशन। शायद आप रेगुलरली खुद को अपग्रेड कर रहे हो लेकिन आप जिसके साथ काम कर रहे हो, मतलब जो क्लाइंट्स है या फिर आपके बॉसेस वगैरह है, शायद वो गलत तरह से आपको डेलीगेट कर रहे हैं। मे बी सिस्टम्स ढंग की नहीं है तो उसके वजह से भी ओवरलोड हो सकता है बिकॉज ऑफ अदर्स मिस्टेक। कॉर्पोरेट में ऐसे होता है। And please try to figure it out. Please try to figure it out. What is the exact root cause of that? What is the root cause of that? If you find the root cause, then it's very easy for you. Keep your head calm and try to find the root cause. This is what I can say. I hope you got the answer. And in case you have some different question, matlab maine jo answer diya hai, matlab wo match nahi kar raha hai, shayad aur hi kuch challenge hai, please go ahead and ask your question again. Reframe your question. I will try to answer that. So let me go to the next question. Okay, great. So yahan pe ek sawal hai. For last 3 years, I am trying my best to start my day at 5:30 a.m. But I just can't get up by that time. Aur main 8 baje tak subah bed mein hi rehta hu. Okay. आप कितने बजे सोते हो? अभी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आपको पूछने पड़ेंगे कि आप कितने बजे सो रहे हो, बाय व्हाट टाइम यू आर स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो उसके पहले कितने देर पहले आप खाना खा रहे हो वो भी मुझे पूछना चाहिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब आप रिलैक्स माइंड के साथ सो रहे हो या फिर बहुत सवाल लेके आप सो रहे हो, क्या आपका मतलब रिचुअल क्या है? बिकॉज रात को सोने से पहले जो आपका रिचुअल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिचुअल आपको ढंग का रखना होगा। कम से कम 6 घंटे की नींद आपको जरूरी है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं 12-1 बजे सो जाऊंगा, 5:30 बजे उठूंगा, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज रियली डिफिकल्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू चेक वेदर यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिकेशन। कभी कोई दवाइयां होती है ना जो आपको बहुत ज्यादा नींद देती है, स्पेशली जो खांसी की दवाइयां है या फिर some people take some medicines on psychological things. So I don't know if you are going for any kind of medicine. If you are taking any kind of medicine, please check it out. कभी कभी वो गोली जो medicines रहती है वो आपको ज्यादा नींद देगी। So ऐसे इसके बहुत सारे dimensions I would say. Again we need to go for the root cause. Again we need to go for the root cause कि exactly ऐसे क्यों हो रहा है. Okay? और general way में आपको कहूँ, hopefully आप कोई medicines नहीं ले रहे, मतलब assume करते हैं, तो आपको 6 घंटे की नींद जरूरी है। 5:30 बजे उठना है तो 11 बजे आपको आइडियली सोना चाहिए, 11:30-11 बजे। 11:30-11 बजे सोना है तो रात को 9 बजे आपको खाना खाना चाहिए, बिकॉज 2 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। रात का खाना थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, मतलब जितनी आपकी भूख है उसका अराउंड आई वुड से 50-60% वहां तो होना चाहिए। रात को सोने से पहले आपको कॉफी, टी, रेड बुल वगैरह ऐसे कुछ नहीं कंज्यूम करना है। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपको कोई डरावनी मूवी वगैरह ये सब नहीं देखनी चाहिए। रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको आपका मोबाइल
दूर रखना है, और आपको मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या फिर अफर्मेशन, राइटिंग योर गोल्स, ये कुछ ऐसे रिचुअल्स अगर आप फॉलो करेंगे, देन इट कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। इवन आपके जो पैर के तलवे हैं वहां पे आप थोड़ा सा ऑयल लेके 1-2 ड्रॉप ऑयल लीजिए, हाथ को रब कीजिए और आपके पैरों को मसाज कीजिए। ट्राई टू रब ऑन योर फीट, फीट के ऊपर मसाज कीजिए, तलवे के ऊपर मसाज कीजिए, बहुत ज्यादा मत लीजिए, अदरवाइज यू नो यू विल स्लीप अननेसेसरी। सो आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, मसाज कीजिए, शायद यहाँ पे भी थोड़ा सा आप ऑयल लगाइए, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। देयर इज एन ऑयल, समटाइम्स आई यूज दैट महाभृंगराज तेल, मैं उसका मतलब उसके लिए मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है बाय द वे, सो आई यूज दैट महाभृंगराज तेल, शायद आप वो इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज इट इज रियली अमेजिंग ऑयल। वो एक आयुर्वेदिक ऑयल है जो उसमें प्रॉपर्टीज है जो आपको नींद आने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप ज्यादा देर तक सो रहे हो, शायद आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसके वजह से है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू मोर थिंग्स आल्सो, अगर आपके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, राइट, जो आपको फोन करेगा या फिर आपको बताएगा, तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है सुबह उठने के लिए। लेकिन ये बेसिक चीजें फॉलो करना जरूरी है। ये अगर आप मिस आउट करोगे और जोर जबरदस्ती से कोई आपको मतलब 5:30 बजे उठाएगा भी, तो पूरा दिन आपका बकवास जाएगा बिकॉज आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आपको बार बार वो इरिटेशन होगा। So I would say ये basic चीजें आपको follow करनी है, then you can take help of maybe accountability partner, या फिर आप एक goal announce कर सकते हैं। अभी विवेक बिंद्रा जी का देखिए, last मुझे लगता है last question answer session में मैंने बताया था, विवेक बिंद्रा जी बहुत मोटे हैं, सबको पता है, अभी नहीं थे, I'm sorry, मोटे थे, उनका पेट वगैरह बहुत ज्यादा बाहर था, लेकिन अभी उन्होंने 100-day चैलेंज अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर, 100-day चैलेंज अनाउंस किया और रेगुलरली उन्होंने एक्सरसाइज की, उसका पेट वगैरह अंदर गया, एकदम जबरदस्त पर्सनालिटी उन्होंने उनकी बनाई है। तो आप भी ऐसे अनाउंस कर सकते हैं, एवरी डे आई एम गोइंग टू गेट अप बाय 5:30 एंड यू कैन हैव द 100-day चैलेंज, अनाउंस इट ऑन सोशल मीडिया, टेल योर फ्रेंड्स एंड ऑल कि मैं ये करने वाला हूं। सो दिस ऑल्सो कैन हेल्प यू, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, दिस इज द आंसर फ्रॉम माई साइड। या यू कैन रीड वन बुक, देयर इज वन अमेजिंग बुक बाय रॉबिन शर्मा, 5 AM क्लब, I hope you know that 5 AM club. शायद अभी तक मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, by the way. But you can go for that. Maybe try to check out the summary of that book. शायद उससे कुछ आपको signals मिले. क्या आप कर सकते हो? And one more final suggestion. Now this is the ultimate suggestion. जो लोग सुबह रोज 5 बजे उठते हैं, for number of years, if they are doing it, please go and talk to them. Try to understand what they are doing. Now this can help you to get back on track. Great. This is called as modeling. Amazing. Exactly. So maybe some medicines you are saying, some kind of medicines you are taking. So please, wo medicines, agar aapko neend deni wali hai, to it's very difficult to for you to get up by that time. Yeah. You need to, talk to your doctor about that, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग फिर से एक बार सेशन लेंगे, हमारा डिस्कशन हुआ है, we will go for 1-to-1 coaching and we will try to sort it out. I'm damn sure you will bounce back like a champion. This is my commitment to you. Yeah. God bless you. So let me go to next question. How to be on track after bouncing back in career? Okay. देखिए, bounce back अगर आपको करना है जिंदगी में, अगर आपको बाउंस बैक करना है, देयर हैज टू बी इनफ अमाउंट ऑफ पेन। देखो, पेन और प्लेजर थ्योरी समझ लो, मुझे लगता है लास्ट एक दो सेशन में भी मैंने वो कंसेप्ट बताया है, पेन एंड प्लेजर थ्योरी। हमारे जिंदगी में हम जो भी करते हैं, जो भी आप मैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ दो रीजन से करते हैं। ध्यान से सुनना, अल्टीमेट आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, अल्टीमेट सोल्यूशन। हमारे जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं, दो ही रीजन के लिए करते हैं। रीजन नंबर वन, हम प्लेजर पाना चाहते हैं, हम खुशी पाना चाहते हैं, वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, वी डू फॉर दैट, रीजन नंबर वन। एंड वन मोर थिंग, वी वॉन्ट टू अवॉइड द पेन, हमें पेन को अवॉइड करना है। देखिए, अभी मैं सेशन क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू एड ग्रेट वैल्यू इन योर लाइफ, आपके जिंदगी में मुझे वैल्यू एडिशन करनी है, और जिससे मुझे खुशी मिलती है, आई फील वेरी हैप्पी, I feel, really amazing when you ask questions, when I give some kind of answers, you get amazing answers, you apply that, you become successful. Now, it gives me amazing amount of happiness and pleasure. So, isliye main ye cheez kar raha hu. And along with that, I want to avoid the pain. You know what kind of pain I want to avoid? I want to avoid the pain
कि आप कभी मुझे बोले कि सर आप कभी मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, आपने तो मुझे वो कोर्स बेचा उस दिन, मुझे बहुत कुछ बोला ये होगा वो होगा और आप मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते, मेरे मेरे सवालों का आप जवाब नहीं देते, ये जो पेन शायद आप मुझे दे सकते हो जो कभी नहीं दोगे आप, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, सो ये पेन से भी दूर रहना चाहता हूं। और इसके अलावा ये वीडियोज में यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूं, सो इट इज हेल्पिंग मी इन मार्केटिंग ऑल्सो। सो मेरे जो मेंटोर है राजीव तलरेजा, उन्होंने बहुत अच्छा कोट एक बार बोला था, अगर आप बिजनेस में हो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो और आप आपके फील्ड के वीडियोस नहीं बनाओगे तो डायनासोर बन जाओगे, मतलब क्या खत्म हो जाओगे। अरे मेरे को खत्म नहीं होना है, मैंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के, अच्छा खासा कमाई वाला जॉब छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे खत्म होने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ ये काम, तो मुझे मार्केटिंग करना जरूरी है। सो वो जो पेन है यार, मुझे खत्म नहीं होना है, वो पेन वो बहुत डेंजर है, तो उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ और प्लेजर की तरफ जाना चाहता हूँ। सो हमारे जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं इस वजह से ही करते हैं। तो अभी आपको बाउंस बैक करना है, नाउ दिस इज अ प्लेजरफुल थिंग, राइट, इट्स अ प्लेजरेबल थिंग, यार मतलब बहुत खुशी मिलेगी मैं बाउंस बैक करूंगी, बट डू यू हैव इनफ पेन, क्या आपके पास उतना दर्द है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या, अगर मैं बाउंस बैक नहीं करूंगी, अगर आपका ऐसा रहेगा ना, ठीक है नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, नहीं बाउंस बैक किया तो नहीं बाउंस बैक किया, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता है मेरे बाउंस बैक करना है नहीं करना है, नहीं किया नहीं किया। अगर ऐसा सिचुएशन है, डू और डाई नहीं है, then there is a huge probability you will forget your bounce back tomorrow only. कौन सा बाउंस बैक, क्या है, छोड़ दे यार, कल किसने देखा है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एंजॉय करो। क्या हो रहा है, आप प्लेजर की तरफ जा रहे हो, प्लेजर प्लेजर मतलब क्या, शॉर्ट टर्म प्लेजर, अरे मजा करो, मज्जा नू लाइफ, एंजॉय करो, कल किसने देखा है, जो होगा वो होगा, आज मिल रहा है, एंजॉय करो, धमाल करो, मजा करो, मस्ती करो। और ऐसे शॉर्ट टर्म थिंकिंग में पूरी दुनिया जी रही है, आई एम टेलिंग यू, लोगों को सही क्या है गलत क्या है सब कुछ पता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड गूगल, एवरीवन नोस एवरीथिंग, कि बाउंस बैक कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सब कुछ पता है। जो इंसान बहुत मोटा होता है उसको पता है कि क्या खाने से वो पतला हो सकता है, लेकिन वो सोचता है जाने देना यार, अभी इतना बढ़ चुका है, कल देखूंगा, आज तो बर्गर पिज्जा खा लेता हूं, छोड़ दे यार। जो इंसान स्मोकिंग करता है उसको पता है कि स्मोकिंग से उसकी जान जा सकती है, जाने दे यार मैं कल देखूंगा, आज तो मजा ले लूं। सो मेरे दोस्तों, ये पेन एंड प्लेजर का गेम है, तो मैं आपको कहूंगा कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर, उससे जरा दूर रहो, उससे जरा बचो, ये बहुत डेंजर है। देखो मैं अभी आपको बोलूंगा, मैं अभी ये सेशन ले रहा हूं, बीच बीच में थोड़ी मोटी गलतियां मैं कर रहा हूं, making mistakes somewhere down the line, maybe in grammar, yahan wahan pe ho raha hai, I know that, lekin main sochunga nahi, mere ko ekdam perfect chahiye, to main kabhi session nahi le paunga, it's not possible, yeah, because Tony Robbins jab training leta hai, Tony Robbins bhi galtiyan karta hai, Sandeep Maheshwari galtiyan karta hai, Vivek Bindra galtiyan karta hai, kitne log galtiyan karte hai, ya fir hum kyun ruke bhai, hum kyun ruke, there is no point in waiting for the perfection, just go ahead and do your task, बिकॉज वो परफेक्शन का, बहुत सारे लोग परफेक्शन के पेन में जीते हैं, यार परफेक्शन का मतलब परफेक्शन नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, फर्स्ट जस्ट फिगर आउट योर पेन एंड प्लेजर, आपकी जिंदगी की पेन और प्लेजर की थियरी जरा सॉर्ट आउट कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी जिंदगी में, एंड ट्राई टू थिंक लॉन्ग टर्म का सोचो यार, थिंक लॉन्ग टर्म, ओके, दिस इज व्हाट आई कैन से। और मेरी जिंदगी के मैं एग्जाम्पल किस लिए दे रहा हूं, मेरा बड़प्पन नहीं बताना चाहता कि मैं ये सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सी ऑन यूट्यूब आई डोंट हैव टू मेनी फॉलोअर्स, मेरे मतलब 1.5 लाख 10 लाख फॉलोअर नहीं है, आई गेस आई हैव ओनली अराउंड 1500 समथिंग फॉलोअर्स, तो मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूं यार कोई नहीं देखता है, कुछ फॉलोअर ही नहीं है, वॉच टाइम नहीं है, तो क्यों बनाऊ ये, नो नॉट एट ऑल, अगर मैं ये करते जाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मैजिक इज गोइंग टू हैपन, सो आई मस्ट थिंक लॉन्ग टर्म, सो थिंक लॉन्ग टर्म and don't go in a trap of instant gratification, think long term, then only you can do magic in your life, this is what I can say, I hope you got the answer, okay, so there is one more question and this is the last question for today, hopefully, let me read that question.
ओके ग्रेट। सो आप बोल रहे हैं कि जब आपको डिसीजन लेना होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप किसी दोस्त का सजेशन लेते हो, किसी इंसान का सजेशन, जैसे कोई बच्चा पढ़ता है बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। देखिए इसका एक ही रीजन है, यू लैक इन कॉन्फिडेंस, यू लैक इन सेल्फ बिलीफ। सी नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प, नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प, लेकिन हेल्प यू नो आपको किसकी लेनी है। डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु ऑलरेडी अचीव दैट टारगेट। लेट मी रिपीट, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो वो डिसीजन जो इंसान ने ऑलरेडी लिया है, सक्सेसफुली लिया है, उससे सजेशन लो। इट इज नोन एज मेंटोरिंग, इट इज नोन एज मॉडलिंग। It is really great. It is really awesome. Tony Robbins always says that. Tony Robbins को जब भी कुछ चीज मतलब develop करनी है खुद में, तो क्या करता है वो field में जो बाप इंसान है ना, बापू top class performance, उसको जाके मिलता है और उसको पैसा देता है, उससे सीख लेता है कैसे करना है और खुद के जिंदगी में result लाता है, फिर दुनिया को सिखाता है। So ये system है Tony Robbins की, modeling great tool। तो आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी का मतलब सजेशन मत लीजिए, इट इज रियली डेंजरस, इट इज रियली डेंजरस। टेक हेल्प ओनली फ्रॉम पीपल हु ऑलरेडी अचीव द गोल यू वांट टू अचीव, एज सिंपल एज दैट। एंड अलोंग विद दैट टेक द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस, टेक द हेल्प ऑफ योर लॉजिक ऑल्सो, ट्राई टू अप्लाई योर लॉजिक, टेक द हेल्प ऑफ द डिवाइन गाइडेंस एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो वहां से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा एंड यू कैन टेक बैंग ऑन डिसीजन। बिकॉज यार किसी दोस्त ने बोल दिया, आपने फॉलो किया, नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे, इट हैपन बिकॉज ऑफ दिस गाय, बहुत बकवास है बंदा, इतना फालतू आंसर मुझे दिया। यू कैंट ब्लेम बिकॉज यू टू हिज हेल्प, आपने उसकी हेल्प ली, तो उसका आंसर सही हो गलत हो हु नोज। सो ट्राई टू लिसन फ्रॉम डिवाइन, ऑलवेज कनेक्ट विद द डिवाइन, ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस। अगर आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस, इट कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। So one more question I would love to take in case, okay, Samta, you raise your hand. Do you want to ask question? Okay, I'm unmuting you. Go ahead, my dear friend. Samta, unmute yourself. Go ahead, ask your question. I hope you're there. Hi, Samir sir. How are you? I'm top of the world. Go ahead. Thank you. Sir, on this platform, I want to raise a question and I was trying to find a solution as well. Yeah. Actually, problem is that this is a personal question, but बहुत सारी लड़कियों का ना ये career obstacle बन गया. Right. Like अगर हम शादी करते हैं, तो हमें घर का काम करके, like I am from a field where interior design and architects are working. Right. So we have to do a job and a freelance work. Right. So हमको ना घर का काम करके ऑफिस जाके फिर फ्रीलांस भी करना पड़ता है, तो इस सब में हमको टाइम नहीं मिलता है। राइट। एंड देयर इज नोबडी टू हेल्प अस। राइट। और अगर हम काम नहीं कर पाते, अगर हम हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते, तो हमारा करियर तो डाउन होते जाता है, हमारा ग्राफ डाउनवर्ड होते जाता है। राइट। 70% वी आर फोकसिंग ऑन पर्सनल लाइफ ड्यू टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड 20% ओनली वी आर गिविंग टू अवर करियर। Right. So, from this platform, I wanted to raise this this question. And in case आपके पास अगर इसके solution हो सकता है. Yeah, definitely. Yes, this is an amazing question. And I really want to say big thank you. आपने बहुत courage करके मतलब courageous आपने question यहाँ पे पूछा है. Thank you so much for that. देखिए. Thank you. आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो घर के काम वगैरह है, ठीक है, तो आप वो किसी को delegate कर सकते हैं. एंड ट्राई टू बाय द टाइम। देखो टाइम एक कमोडिटी ऐसी है, ये बहुत प्रेशियस है, ठीक है। सो ट्राई टू परचेज द टाइम। एंड हाउ यू कैन परचेज द टाइम, क्वाइट सिंपल, यू नीड टू डिलीगेट टू सम मेट्स, ओके, नीड टू कीप सम मेट्स, उनको आपको डिलीगेट करना है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ पैसा उनको देना पड़ेगा, 2,000, 3,000, 5,000, व्हाट एवर इट मे बी। लेकिन वो प्रोसेस में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन करियर। Yes. You can earn more to complete that task. Are you getting my point? Yes. जितने भी अमीर लोग होते हैं, या फिर करियर में टॉप लेवल पे जाते हैं, they always try to purchase the time. Yes. Time करने की कोशिश करो, तो तभी वो पॉसिबल है।
देन ओनली इट इज पॉसिबल. अगर आपके घर में कोई आपकी आपके साथ कुछ हेल्प करने वाले हैं तो उनके साथ अगर आप सौदा कर लेंगे या फिर उनके साथ थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करेंगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन वो भी ऑलरेडी लोडेड है और आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने ही करने, देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ मेड एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट. Nothing wrong in that, yes, but absolutely right. Yes, कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले agree नहीं करते इस तरह की चीज़ को. You have to justify them. You have to justify them. मतलब समझो आप कोई maid को 1,000, 2,000, 3,000 एक amount दे रहे हो, right? तो आपको उनको बताना है कि मेरा समय बच रहा है, amount of time I am saving, तो वो time में career growth करने से मेरे 1,00,000 कैसे बढ़ने वाले हैं? Yes. So you need to justify that. You need to justify that. देखिए पहले जमाने में मतलब मेरी माँ का मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा. मेरी माँ जॉब को जाती थी और उसके साथ वो काम भी करती थी. Yes. Right? तो स्टार्टिंग में जब वो यंग थी तो उसने विदाउट मेड ये मैनेज किया, लेकिन जैसे जैसे एज होने लगा तो उसको पॉसिबल नहीं था, तो हमने मेड रखना शुरू किया. इतने सालों में हमने मेड नहीं रखी थी, लेकिन बाकी के कुछ काम के लिए फिर मेड रखना शुरू किया, सपोर्ट लेना शुरू किया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो एक चीज हर बार हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी आप दिन में टास्क कर रहे हो ना, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इज इट हेल्पिंग मी टू ग्रो इन माई लाइफ? इज इट हेल्पिंग मी टू ग्रो इन माई लाइफ? आप बर्तन मांज के या फिर कपड़े धो के आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली. Yes. आपने अगर जबरदस्त एजुकेशन लिया है आर्किटेक्चर में वगैरह, आपने बहुत कुछ किया है, मेक मोस्ट ऑफ दैट नॉलेज एंड ट्राई टू अर्न इन लैक्स. ट्राई टू अर्न इन लैक्स एंड ट्राई टू कन्वर्ट पेन इनटू पावर. आई नो मे बी आपके घर वाले बोल रहे क्या है तू कुछ कमा भी नहीं रही है, मेड की तो और कैसा मैनेज करेगी, पैसा कैसा मैनेज करेगी. नाउ व्हेन दे आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री ऑन देम, बी थैंकफुल टू देम. यू नो फॉर व्हाट? दे आर क्रिएटिंग पेन in your life. They are blaming you or they may be not believing in you. Now this is a great opportunity to prove yourself. Now this is a great opportunity to do something phenomenal in your career. Earn some great amount so that they will be happy and you can pay that amount to maid. Are you getting my point? Yes. It's a great source of motivation. It is a great source of motivation for you. This is what I can say. Yes. Thank you, sir. क्योंकि मुझे क्वेश्चन रेज करने का भी मुझे मौका दिया एंड आई एम अग्री टू योर आंसर. थैंक यू सो मच. अमेजिंग 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 क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर अमेजिंग टॉप क्लास क्वेश्चन. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. सी यू वेरी सून इन अ न्यू क्वेश्चन आंसर सेशन. टिल देन गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर. बाय.